नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और सुपौल से है। सुपौल अनुमंडलीय अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मनोहर प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस दरमियान सीएस ने उपस्थित पंजी, एक्सरे कक्ष, पैथोलॉजी कक्ष सहित अन्य जगहों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में सीएस ने अस्पताल के प्रभारी कार्यालय में जीएनएम के साथ भी बातचीत की। दरअसल कई जीएनएम के कई महीनों से सैलरी रुका हुआ है, जिसको लेकर लिपिक के साथ गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही अस्पताल की व्यवस्था को लेकर बराबर निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई कमी पाई गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम आए थे यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए। जी, क्या कमी पाई? देख रहे हैं यहाँ स्टाफ लोगों के बीच में, डॉक्टर लोगों के बीच में वैसा कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा था जी। और उसी को सोच रहे हैं फ्रीक्वेंटली यहाँ आने का, और आ करके बीच बीच में एक दो चार आइटम उठा उठा करके सबको रेगुलराइज करने के लिए। सर, यहाँ पे जो है